हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड खजाना पे। तो फिर दोस्तों, बॉलीवुड के एवरग्रीन हिट मूवी देने वाले स्टार अजय देवगन अपने फैंस के लिए इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर एक धमाकेदार मूवी रिलीज करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मूवी का नाम रखा गया है मैदान। यह मूवी पूरी तरह से फुटबॉल पर आधारित होगी, जिसमें अजय देवगन इंडियन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। इस बात की पुष्टि खुद अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे किया है। दरअसल पहले ये मूवी 27 नवंबर 2020 को रिलीज होने जा रही थी, फिर किसी अटकलों की वजह से मूवी की रिलीज डेट 11 दिसंबर 2020 को कर दिया गया। अब ये सामने खबर आया है कि ये मूवी अगले साल इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज होगी। अजय देवगन ने अपने फैंस के लिए मूवी का एक पोस्टर भी रिवील किया, जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया, एक ऐसी अनसुनी कहानी जो सभी भारतीयों को गर्व महसूस कराएगी। 13 अगस्त मार्क द डेट #मैदान2021। इससे पहले उन्होंने जनवरी में अपने ट्विटर अकाउंट पे इस मूवी का एक पोस्टर आउट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, ये कहानी है इंडियन फुटबॉल के गोल्डन फेस की और उसके सबसे बड़े और सबसे सक्सेसफुल कोच की, #मैदान। इसके साथ ही उन्होंने मूवी का तीसरा पोस्टर रिवील करते हुए मूवी का एक जबरदस्त डायलॉग भी पेश किया। डायलॉग था, बदलाव लाने के लिए एक अकेला भी काफी होता है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस मूवी की डायरेक्शन हुई है 2019 में सुपरहिट साबित हुई मूवी बधाईयों के डायरेक्टर अमित शर्मा जी के द्वारा। तो फिर दोस्तों, मूवी की स्टोरी, डायलॉग्स और पोस्टर तो बहुत ही जबरदस्त लग रही है और साथ ही साथ अजय सर का लुक्स भी बहुत ही लाजवाब लग रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं कि आपको इस मूवी की स्टोरी और पोस्टर कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फिर दोस्तों, बॉलीवुड की ऐसे ही हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड खजाने के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।